केडी एडवांस लो क्लासेस संस्थान के होनहार अभ्यर्थी पूर्वर्धन सिंह चारण हमारे बीच में हैं और पूर्वर्धन 55th रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए हैं इस भर्ती के अंदर 222 में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूर्वर्धन को और पूर्वर्धन की पूरी टीम को, भावेश आडा, चंद्रवीर सिंह, युग दवे, स्वरूप सिंह, कुछ एबसेंट भी है, मिहिर गढ़वी एटसेट्रा, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बेसिकली पूर्वर्धन झालावाड़ से है, जहाँ से वसुंधरा राजे जो है वो चुनाव है वो लड़ती है और संतरों के शहर के नाम से वो जाना जाता है। वो अलग बात है कि संतरे अभी तक आए नहीं है वहाँ से। LLB पूर्वर्धन ने जो है वो RU से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो है 5 ईयर कोर्स 2021 में वो कंप्लीट की और LLM जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2023 में कंप्लीट की। RJS का ये पूर्वर्धन का सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था पूर्वर्धन ने 2022 की वैकेंसी में भी और इस बार फिर इंटरव्यू दिया और 55th रैंक से जो है वो फाइनली सेलेक्ट हुए। 2019 से कोरोना जो पीरियड था उससे भी पहले से 2019-20 से जो है वो पूर्वर्धन KD एडवांस लो क्लासेस संस्थान के फाउंडेशन कोर्स का जो है वो रेगुलर स्टूडेंट रहा है और उसके बाद कंटिन्यूस जो है वो एक बार कोर्स होने के बाद जो है वो मेंस का जो अपना कोर्स था, मेंस की टेस्ट सीरीज थी, इन सभी माध्यम से वो कोचिंग से कंटिन्यू है वो जुड़ा रहा। JLO का इंटरव्यू भी 2023 का है वो दिया था मेरे साथ पूर्वर्धन ने। भगवान ने कुछ अच्छा ही इनके लिए वो लिख रखा था कि JLO में एक बार जाके ज्वाइन करके फिर RJS की तरफ आते, अदरवाइज डायरेक्ट है वो RJS ही बने। ये बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अब मेरी गुजारिश रहेगी पूर्वर्धन सिंह से कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को जो है विस्तृत रूप से बताएं। यस पूर्वर्धन, ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ पूर्वर्धन सिंह का स्वागत है वो होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूर्वर्धन को। ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो हर साल भेजे और अपनी सफलता है वो प्राप्त करें इस संस्थान से। यस पूर्वर्धन, आप अपनी सफलता यात्रा के बारे में वो बताएं स्टूडेंट्स को, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही और अल्टीमेटली आप जो है टॉप 60 के अंदर जगह बनाने में वो सक्सेस रहे। यस, तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। मैंने क्लैट दिया था, ठीक है, क्लैट में हुआ नहीं, ठीक, वहाँ पे फेलियर देखा, फिर RU में एडमिशन हो गया, रूलेट दिया, उसमें अच्छी रैंक आई, एडमिशन हो गया। फिर ये फर्स्ट ईयर मैंने खूब मजे करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कॉलेज लाइफ में कि आप पढ़ाई के अलावा और कुछ करो, ठीक है। यहाँ पे अब RU के अंदर पॉलिटिक्स का भी बहुत स्कोप था तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बहुत मजे आए वहाँ पे, वहाँ पे लोगों को जानने पहचानने का, किस तरीके के लोग होते हैं वो समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। उसके बाद में जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो साथ साथ में फिर मस्ती के साथ थोड़ी पढ़ाई भी शुरू कर दी, ठीक है, पढ़ाई शुरू करी इन द सेंस कि मैं बेरिक्स पे फोकस करता था, ठीक है, शुरुआत में। तो कॉलेज के अंदर ऐसा होता था कि कुछ लोग एक बाबेल नाम की सीरीज़ आती है उससे पढ़ते थे, ठीक है, वहाँ पे फिर मेरा उनसे ईगो क्लैश हो जाता था कि इससे तो मैं नहीं पढ़ूँगा, कुछ ही कर लो तुम, पढ़ूँगा तो मैं बेरिक्स से पढ़ूँगा। मैं बेरिक्स से पढ़ता था और होता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेरिक मेरे पास सबसे पहले आया था तो मैं उसको लेके बैठा रहता था कि यार इसको तो पढ़ना है, इसको समझना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा आगे वरना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेरिक से मैंने चालू किया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक EDS एक्ट है जो आप आराम से समझ सकते हो और आप उसकी लैंग्वेज को समझ जाओगे तो लगभग आपको बेरिक पढ़ना आ जाएगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू किया, सेकेंड ईयर से ही मैंने तैयारी चालू कर दी थी बेरिक समझने की, ठीक है, वो भी एक अलग तैयारी है, वो अलग नहीं है, मतलब लॉ करना और लॉ पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बेरिक्स पे बहुत फोकस किया मैंने हमेशा से ही। फिर मैंने साथ में शायद 4th सेमेस्टर के अंदर या 5th सेमेस्टर के अंदर मैंने मूड कोर्स भी किए, ठीक है, ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हम लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका फील्ड में क्या एग्जीक्यूशन रहेगा। मैंने 2 मूड कोर्स किए मेरे पूरे इसके अंदर
फाइव ईयर लॉ कोर्स में, फिर कोरोना आ गया था तो उसमें मैं कर नहीं पाया। सेवन सेमेस्टर के अंदर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली सर की, ठीक है, तो मेरी तैयारी बहुत ही आराम से चली थी, वो होता है ना स्लो एंड स्टडी, उस वाले पेस पे मेरी तैयारी चली थी। हम आते थे यहाँ पे 3 बजे कॉलेज ख़त्म होता था, उसके बाद हम यहाँ आते थे और धीरे धीरे पढ़ाई करते थे। ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं था कि अभी क्या अभी करना है और अभी क्या अभी बनना है, ठीक है। ऐसा लगता था कि अभी हम स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं था कि नौकरी करनी है या फिर किसी भी तरीके का। धीरे धीरे मैं सर की क्लास में बैठने लगा, ठीक है, शुरुआत में थोड़ी होती है, शुरुआत में थोड़ा फ्रिक्शन फील होता है कि हम सर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमें आंसर नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने जवाब नहीं दिया तो ये साइड वाला क्या सोचेगा, ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं जवाब नहीं दे पाया, वो चीज़ दिमाग में से निकाल लेना, ठीक है। वो हर जगह आपको मात आप मतलब उससे मात खाओगे हर जगह, अगर आप चीज़ को उस तरीके से ईगो पे लेके आ गए कि आप कंपेयर करने लग गए अपने आप को दूसरों से कि वो जवाब दे पा रहा है मैं नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो और ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, वो बहुत बेकार चीज़ है, उसको कभी दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। आपको तो बस यही है कि आप आज कहाँ खड़े हैं और आप कल कहाँ थे, इसके बीच में आपको कंपेयर करके अपना इवेल्यूएशन करना है, ठीक है। और वो जब आप खुद पे वर्क करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम आगे ही बढ़े लाइफ में, कभी यूँ नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं। किसी से पीछे होना ज़रूरी नहीं है, खुद से आगे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्फ इवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर की क्लास में बैठे रहते थे, सर सवाल पूछते थे, शुरुआत में थोड़ा अटकते थे, ठीक है, थोड़ा घबराहट भी होती थी, पर फिर जैसे जैसे पढ़ने लगे, ठीक है, सवालों के जवाब देने लगे, तो वो चीज़ दिमाग में से चली गई। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, मैं केडी सर की टेस्ट सीरीज मैंने पूरी दी थी, प्री की भी दी थी और मेंस की भी दी थी। फिर मैंने 2021 वाला अटैम्प्ट दिया, इंटरव्यू फेस किया, फिर इंटरव्यू फेस किया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, ठीक है, मैं थोड़ा बोल मैं नर्वस हो जाता था, तो मेरे कम मार्क्स थे, मुझे पता लग गया था कि हाँ यहाँ मेरी कमी, बाकी एसेज में भी मेरे कम मार्क्स आए थे। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि इसमें कमी कहाँ है। लॉ में अच्छे मार्क्स थे, ठीक मार्क्स थे, मतलब सिलेक्शन होने जैसे मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे, और देखा कि हाँ यहाँ पे अपने जगह 3 जगह कमी है, तो अब इस पर फोकस करना है, तो मैंने सोचा इस पर काम करेंगे। और उसके बाद में मेरे एक दोस्त थे वो सिलेक्ट हुए थे, तो मैं अगले दिन ही उनकी खुशी में शामिल हो गया था कि यार मेरा नहीं तो कोई बात नहीं, इनका ही सही, ठीक है। फिर मुझे सर ने मौका दिया कि मैं कोचिंग में पढ़ा सकूँ, वो मेरे लिए, वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आप एक खुद पढ़ते हो और एक पढ़ाते हो तो उसमें डिफरेंस होता है। वैसे तो मैं दोस्तों को पढ़ाता था कॉलेज में, लेकिन यहाँ खड़े होकर पढ़ाना वो अलग ही फील होता है। मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी सही, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया वो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए वो मेरे को पूरे मुंह जबानी याद है, सारे के सारे उसके कॉन्सेप्ट्स याद है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं है, ठीक है, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, उसने बहुत हेल्प किया। फिर मैं लगातार क्वेश्चंस करता गया, कुछ एक दो किताबें रेफर करी, जैसे परीक्षा मंथन उसको रेफर किया, सर की प्री की वो मैंने किया, सर की मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने की, ठीक है, पूरे पूरे एक बार ही में लिखता था मैं, पता चल गया कि हाँ चलो इस वाले सेक्शन से लेके इस वाले सेक्शन तक है पेपर, बीच में याद कर लिए और उनको लिख दिया। ऐसे मैंने कम से कम 3 बार टेस्ट सीरीज़ की लिख दी थी। इसके अलावा बाकी जैसे दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं आपके, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज हो गए, MP हो गए, तो उनके क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट जजमेंट्स पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो उनके क्वेश्चंस में मैं देख लेता था, उस हिसाब से अपनी तैयारी करता था। जहाँ तक बात पढ़ाई की है तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पहला स्टेप है वो बेयर एक्ट ही है, इसके अलावा कोई दूसरा स्टेप है नहीं कहीं पे, मतलब कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में, और रखना भी नहीं कभी कि बेयर एक्ट नहीं है तो हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है, बेयर एक्ट होने चाहिए। बेयर एक्ट आप पढ़ो, आप सेक्शन 1 से पढ़ो उसको, ठीक है, क्योंकि आपसे मान लो पूछ ही ले कोई कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, होता है बहुत बार लोगों को नहीं पता होता है ना, अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, CRPC तो CRPC अगर बोले हैं तो CR का मतलब तो क्रिमिनल हुआ, तो पहले तो क्रिमिनल आना चाहिए, लेकिन वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो वो एक ये है कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज़ हो सकता है, ठीक है। फिर जैसे मैं IPC पढ़ता था, तो मैं शुरुआत में जब सेक्शन 2-3 पढ़ रहा हूँ तो बस उसी के अंदर गोल 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 गोल, क्योंकि वो क्लियर नहीं होते थे कभी कभी,
तो वे किताबें उठानी पड़ती थी, फिर वे किताबें उठा देते पर दो दो तीन तीन घंटे लगे हुए हैं, फिर उसको समझ लिया चलो ठीक है, पर क्या हुआ 6 महीने बाद वो पढ़ा तो फिर भूल गए, तो फिर वापस किताब उठानी पड़ती थी। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, मतलब आप कम टाइम के अंदर रिवीजन आपको वापस करना है, 1 महीने में आपको रिवीजन करना है, 1.5 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा उसको लंबा खींचोगे तो सारा भूल जाओगे याद किया हुआ। अगर आपने समझा हुआ है तो आपको 80% तक रिटेन रहेगा ठीक है, और 20% उसकी लैंग्वेज की सेटिंग है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो लैंग्वेज की सेटिंग आपकी चली जाएगी, मतलब किस तरीके से लिखा हुआ है वो चला जाएगा, आपको एसेंशियल्स तो याद रहेंगे कि हाँ ये चार चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि हमें बेरेट की लैंग्वेज लिखनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हम यूँ भी अपने मर्जी से भी तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ तो एरेस जुडिकेटा अगर लिखा है तो ज़रूरी क्यों है कि सेक्शन 11 ही लिखें, हम नॉर्मल लिख सकते हैं कोर्ट के अंदर केस हुआ था ठीक है वो डिसाइड हो गया, अगली बार नहीं लिया नहीं लिखा जा सकता। बेर एक्ट्स में जो लिखा है वो बहुत ही कंसाइस और एक्यूरेट है ठीक है, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी कंसाइस और एक्यूरेट चाहिए, वो अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे। इतनी सारी कॉपीज़ आप चेक करोगे, जब आपको 100 कॉपीज़ एक साथ चेक करने के लिए दे दी जाएगी, तो वो उसको मैं कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि जितने आराम से हम कॉपी चेक कर सकें, जल्दी जल्दी कॉपी चेक हो जाए उतना ठीक है। तो आप बेरेक्ट की लैंग्वेज लिखो, और उसको भी अगर आप पॉइंटर्स में बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आप केस लॉज पढ़ो, केस लॉज इतना ही ज़रूरी है कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स कहीं से कुछ आया है या फिर क्या बोलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, तो वो वाले केस लॉज पढ़ो, जो KD सर के नोट्स में मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है, सफिशेंट है, उससे बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लेटेस्ट लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो करते रहो, क्योंकि 2021 में जो जजमेंट राइटिंग थी सिविल के अंदर ऑर्डर राइटिंग थी, और इस बार जो ऑर्डर राइटिंग है वो दोनों जजमेंट बेस्ड ऑर्डर राइटिंग थी ठीक है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता था तो वो कर पाया, और जिसको नहीं पता था वो नहीं कर पाया। जैसे 2021 वाले मैं नहीं कर पाया था, मुझे नहीं पता था ऐसा कोई जजमेंट आया हुआ है, और वो जजमेंट 2021 का ही था, क्योंकि पेपर 2022 में हुआ था, तो 2021 दिसंबर का या जनवरी का जजमेंट था, और उसके बेसिस पे उन्होंने प्रॉब्लम बना के और ऑर्डर राइटिंग में दे दिया। तो जिस मतलब जब आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तो उससे कम से कम 2 साल पहले के जजमेंट्स जो कि किसी चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर रहे हो या किसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हो ठीक है, वो आपको ज़रूर से करने हैं। उसके बाद में जहाँ तक लैंग्वेज सेक्शन का है, तो लैंग्वेज सेक्शन में मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे खुद के बहुत अच्छे नंबर आए नहीं है ठीक है, तो वो शायद वो लोग जिनके अच्छे मार्क्स आए वो एक बेहतर स्थिति में रहेंगे आपको बताने के लिए ठीक है, और वो सब आके जा चुके होंगे और भी आएंगे अभी। तो इंटरव्यू का ये है कि इंटरव्यू सर बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं ठीक है, और उसके बाद ये है कि क्लासरूम कोर्स के अंदर आप बिल्कुल जवाब दो और हम्बल रहो बहुत, और स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा कम रहना है, मेरी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ठीक है, वो दोस्तों ने खैर दूर कर दी और इंटरव्यू क्लासेस से भी दूर हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा क्योंकि वहाँ पर आपको हम्बिलिटी रखनी पड़ेगी ठीक है, वो बहुत बड़े हैं आप लोगों से, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी, और उनको पता चल जाता है शक्ल देख के कि हाँ ये इंसान किस तरीके का है। ये मुझे लगता है कि पढ़ाई से रिलेटेड तो ये है, इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो, आपको किसी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ में बैठे हो जो टॉक्सिक हो ठीक है, तो हो सके तो जितना जल्दी उनको पहचान सको उनको पहचानो और उनको साइड कर दो। आपकी पर्सनल जर्नी है ये, इसमें जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं ठीक है उनका साथ आप रखो, आप उनकी भी हेल्प करो बदले में ठीक है, बिल्कुल ही सेल्फिश नहीं होना कि यार इन पे इनका मैं यूज़ कर लेता हूँ यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे नहीं होना, अच्छे लोगों को साथ में रखो और ख़ुद भी एक अच्छे इंसान की तरह रहो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ए गुड पर्सन ठीक है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अचीवमेंट ना मिले, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ना मिले, लेकिन जब आप लाइफ को एक बड़े व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम बहुत सारी आफतों से बच गए ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से बच गए, हम बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं कभी कभी ठीक है, दोस्त होते हैं वो काम आते हैं ठीक है, आपके गुरुज बहुत काम आते हैं। देखो अगर आप ये ईगो रखो कि उनको क्या आता है, मेरे को सब आता है, मेरे पास भी बेरेक्ट है, वो भी बेरेक्ट पढ़ाते हैं, या फिर वो भी नोट्स पढ़ाते हैं हम भी नोट्स पढ़ लेंगे, तो चलो ठीक है आप पढ़ लोगे नोट्स आप कर लोगे, लेकिन वो जब तक ईगो ख़त्म नहीं होगी ना तब तो हो सकता है आप लाइफ में उतना आगे ना जा पाओ जितना कि आप जा सकते थे आपके सामर्थ्य के हिसाब से।
ठीक है, ईगो कभी नहीं रखनी, और खासकर गुरु के सामने और अपने फैमिली के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखनी। ठीक है, मैं फैमिली का बताता हूँ थोड़ा सा कि 2021 के अंदर, जैसे मेरे पापा खेती करते हैं, तो 2021 के अंदर उधर झालावाड़ की तरफ बहुत सारा पानी भर गया था। ठीक है, खेत में पानी भर गया था, फसल वसल लगभग 80% तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं जयपुर था, मम्मी और मेरी बहन भी जयपुर थी। पापा को किया फ़ोन, तो मम्मी और बहन तो परेशान हो रहे हैं। पापा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, ज़मीन तो है ही सही, वापस उगा लेंगे फसल, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा रखा कि हाँ, वी आर ग्राउंडेड पीपल एंड वी नो हाउ टू वर्क ऑन दिस ग्राउंड। लाइफ में सेकेंड चांस देना खुद को बहुत ज़रूरी है, आप नहीं दोगे तो कोई और आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम फेलियर हुआ था तो यही था कि कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड चांस दो अपने आप को, कभी किसी से कंपेयर मत करो कि उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, या मेरा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, ये सब है बस। अपनी पढ़ाई के अलावा भी अपनी जो लाइफ है ना, वो बहुत शॉर्टेड रखो, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं। ठीक है, वहाँ कैसे परफॉर्म करना है, ये आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इफ़ेक्ट करती है उस पर। आपकी पर्सनल लाइफ को जितना हो सके उतना शॉर्टेड रखो। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहो, पढ़ाकू लोगों के साथ रहो, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग आपको पढ़ा सकते हैं, जिनको आप पढ़ा सकते हो और जो आप सिंसियरली आपसे पढ़ सकते हैं, उन लोगों के साथ रहो। यही है। गुरुवर्धन ने अपने सारगर्भित इस उद्बोधन के अंदर बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है। फॉलो करें आप, और आप भी इसी तरीके से अगले एग्ज़ाम में वो सफल हो। जहाँ तक बात जो है वो पूर्वर्धन की इस संस्थान से, बहुत कुछ इसने वो फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट था, मेरे खूब क्वेश्चंस फेस किए, क्योंकि जो अच्छा आंसर देने की पोजीशन में होता है उनसे मैं जनरली पहले पूछता हूँ, और जो क्वेश्चंस के आंसर से बचते हैं तो एक बार तो एक दो बार उनको वार्निंग देता हूँ कि तुम भी अच्छी तैयारी करो, और जब वो नहीं देते हैं तो फिर पूछना बंद करना पड़ता है। तो इसलिए खूब क्वेश्चंस फेस किए, रेगुलर भी था, छुट्टी बहुत कम रही पूरे वो डेढ़ दो साल के वो फाउंडेशन कोर्स के दौरान, बहुत कम छुट्टी, हमेशा क्लास के अंदर वो प्रेजेंट रहता था, और टेस्ट सीरीज वगैरह ये वीकली जो टेस्ट होते हैं ये प्रॉपरली वो देता था, मार्किंग भी अच्छी वो होती थी, मेंस आंसर राइटिंग भी वो अच्छी थी पूर्वर्धन की, मैंने खुद ने प्रश्न बहुत सारी कॉपीज वो चेक की है पूर्वर्धन की, तो अच्छा लिखता था डायरेक्ट में जैसा दे रखा है, एज़ पर दिस सेक्शन, एज़ पर दिस ऑर्डर रूल, एज़ पर दिस आर्टिकल, और केस लॉज वगैरह जो कुछ भी मैंने क्लासरूम में पढ़ा रखे थे अच्छे वो लिखे हुए मिलते थे कॉपी में, चेक करने में ज़्यादा वक्त भी वो नहीं लगता था। जब चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ वैसी ही लिखी हुई है, तो जो आधे घंटे में कॉपी चेक होनी है वो 10 मिनट में वो हो जाती थी, और धैर्य रखा बनाया। आदमी टूट जाता है एक बार सिलेक्शन नहीं होता है। जब मैंने भी पहली बार 2011 का आरजेएस दिया था तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं भी हल्का सा डिप्रेशन में आया था। 2-1 महीने तक वो डिप्रेशन से बाहर आने में मुझे वक्त वो लगा था। कुछ दिन के लिए मेरा हंसना, ये खुशियाँ सब गायब सी हो गई थी। मुझे कोई हंसता था या बोलता था ऐसा अजीब सा फील होता, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो 2-3 महीने उस सदमे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उस मुझे रिजल्ट से कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो निकाल दूंगा, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है, और जब नहीं हुआ सिलेक्शन तो 2-3 महीने मतलब उस सदमे से उबरने में लगे, और फिर मैंने हिम्मत जुटाई और दूसरा अटैम्प्ट दिया, और दूसरे अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। वो सिमिलरली पहले अटैम्प्ट में बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट के बच्चे भी आपने देखे हैं क्लासरूम के अंदर। तो धैर्य बनाए रखें, रेगुलरिटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और अपनी पढ़ाई पे पूरा है वो फोकस, जब पढ़े तब केवल पढ़ाई पढ़े, थोड़ा ये सोशल मीडिया वगैरह जो है फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इनसे जितनी कम है वो इनसे जो है वो आपका पाला होगा उतना ही आप सफलता के नज़दीक चलते जाओगे, और जितना इनका यूज ज़्यादा होगा उतने ही डाइवर्जन ज़्यादा आएंगे और आपकी रेगुलरिटी में कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेक है वो आएंगे। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूर्वर्धन आपको। थैंक यू सर। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें आप। थैंक यू। और हमेशा माता पिता का और गुरुजनों का नाम है वो रोशन करते रहें। थैंक यू।